गुलाजी का मैं आज यहां अग्रवाल धर्मशाला चीका के सभी सदस्यों की एक जनरल मीटिंग बुलाई गई। इस अवसर पर अग्रवाल धर्मशाला के प्रधान कस्तूरी लाल गर्ग ने अपनी कार्यकारिणी सहित अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इस अवसर पर नई कार्यकारिणी का गठन करने के लिए उपस्थित सभी सदस्यों ने अपने अपने विचार रखे। इस अवसर पर एक 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया, जिसमें हंसराज सिंगला, राजकुमार जखोली, पुन्नू राम खरोदी, महावीर मटोरिया, ज्ञानचंद गोयल और राम स्वरूप जिंदल शामिल है। इस अवसर पर चुनाव मैदान में 11 उम्मीदवार आए। जानकारी देते हुए हंसराज सिंगला व महावीर मटोरिया ने कहा कि चुनाव कमेटी की पूरी यही कोशिश रहेगी कि अग्रवाल धर्मशाला की प्रधान सहित कार्यकारिणी का गठन सर्वसम्मति से हो, ताकि आपसी भाईचारा बना रहे। गुलाचिक से ओपी सैनी की रिपोर्ट, देखते रहिए अजीत समाचार वेब टीवी। जी, अग्रवाल धर्मशाला के चुनाव को लेकर के जो आप नेतृत्व कर रहे हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है? आज चीका में हमारे अग्रवाल समाज की मीटिंग हुई, इसमें सभी मेंबर उपस्थित हैं। उन्होंने 6 मेंबरों की कमेटी बनाई है, जिसको पूरे अधिकार दिए गए हैं कि वो सर्वसम्मति से किसी को बनाए। उसमें हमने नाम मांगे हैं जो तन मन धन से सेवा करना चाहते हैं। हमारी कोशिश है कि सर्वसम्मति से बने, और 11 नाम आए हैं। हम कोशिश करेंगे कल तक इनमें से सब सर्वसम्मति से बनाने की। अगर नहीं बने तो उसके बाद इलेक्शन की बात वो कल को पता लगेगा। कल तक तो जैसे आप जो सिक्योरिटी के रूप में जो राशि ली जा रही है, ये सेवा में लगाई जाएगी? ये मंदिर में, मंदिर के दान में जाएगी जी। प्रधान जी, अग्रवाल धर्मशाला के चुनाव को लेकर के आपके क्या विचार हैं? हमारा सभी मेंबर्स का यही विचार है कि अग्रवाल धर्मशाला में किसी भी तरीके की कोई पार्टी बाजी, किसी भी तरीका का वोटिंग ना हो। सर्वसम्मति से, चाहे हमें हाथ पैर जोड़ के भी मनाना पड़े पिछली बार की तरह, तो हम हर भाई को कोशिश करेंगे कि इलेक्शन ना हो।